दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट लीक्स, रूमर्स, अपकमिंग स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों यार लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही गाइस यार कमेंट भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक कमेंट से दोस्तों हमें ये पता चलता है गाइस कि हमें अपने चैनल के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर सैमसंग से गाइज, और सैमसंग ने दोस्तों फाइनली अपना एम सीरीज के अंदर पहला 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर गाइज का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। और गाइज बात करें स्पेसिफिकेशन के, तो यहाँ पर 6.6 इंच की HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है। साथ ही गाइज यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर। इस बात करें कैमरा की दोस्तों, तो बैक में यहाँ पर कुछ 4 कैमरा सेंसर दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 एमएच की बड़ी बैटरी और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में गाइस यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो बात करें प्राइसिंग की गाइस, तो इसका जो बेस वेरिएंट गाइस 6GB रैम 128GB वाला, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 21,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों सेल के दौरान इंट्रोडक्टरी प्राइस पर गाइस ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा सिर्फ 19,999 रुपए की प्राइस पर। अगर स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के हिसाब से दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। गाइज इतना ही नहीं दोस्तों, सैमसंग बहुत जल्दी अपनी एफ सीरीज के अंदर भी एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जहां पर गाइज इसका नाम है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F52। और गाइज ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी गूगल प्ले कंसोल साइट पर लिस्ट हो चुका है। और गाइज बात करें अगर स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की दोस्तों, तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही गाइज ये स्मार्टफोन कैसा दिखने वाला गाइज, वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये तो हुई यार सैमसंग की तरफ से मिड रेंज 5G स्मार्टफोन्स की बात। लेकिन गाइज सैमसंग बहुत जल्द अपना एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है गाइज यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A22 का 5G वेरिएंट। गाइज यार वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब गाइज कि बहुत जल्द ये स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया के अंदर अब देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं गाइज, सैमसंग की तरफ से गाइज सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और साथ ही गाइज सैमसंग गैलेक्सी S21 का जो फैन एडिशन होने वाला गाइज, इन दोनों स्मार्टफोन की जो बैटरीज है दोस्तों, वो इंडिया की PIS सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुकी है, जिसका मतलब हुआ गाइज कि बहुत जल्द आपको ये स्मार्टफोन भी अब इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गाइज यार सैमसंग की न्यूज दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती गाइज। सैमसंग ने दोस्तों अभी एक नया स्मार्ट कीबोर्ड भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है गाइज यहाँ पर स्मार्ट कीबोर्ड ट्रायो 500। पर गाइस यार इस स्मार्ट कीबोर्ड की खास बात है दोस्तों कि यार ये कीबोर्ड आपके 3 डिवाइसेस को एक साथ में कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि गाइस अगर आप यहाँ पर किसी लैपटॉप या फिर दोस्तों किसी डेस्कटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों उसी के साथ में अपने मोबाइल और टैबलेट को भी कनेक्ट करना चाहते हैं गाइस, तो आप तीनों डिवाइसेस को यहाँ पर एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये कीबोर्ड आपको मई महीने के अंदर इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गाइस यार अब बात करते हैं यहाँ पर मोटोरोला की। तो गाइस यार मोटोरोला ने अभी हाल ही में दोस्तों मोटो G20 को लॉन्च किया मलेशिया में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, जहाँ पर गाइस इसका नाम है दोस्तों मोटो G50। पर दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 480 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेंसर, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 एमएच की बैटरी और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बात करें प्राइसिंग की गाइस, तो यार 8GB रैम 128GB वाले जो वेरिएंट गाइस, जिसे दोस्तों अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें गाइस, तो ये होगा लगभग 17,200 रुपए। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला गाइस, वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस बात करें यहाँ पर दोस्तों ओप्पो की गाइस, तो ओप्पो बहुत जल्द अपने कुछ नए TWS बड्स को लॉन्च करने वाला है, का नाम है गाइस यहाँ पर ओप्पो एनको बड्स, जिसके बारे में दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया हुआ गाइस। और ये बड्स दोस्तों यार CQC सर्टिफिकेशन पर अब सर्टिफाई हो चुके हैं, जिसका मतलब गाइस बहुत जल्द अब ये ग्लोबली और इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गाइस बात करते हैं यहाँ पर वीवो की। दोस्तों वीवो भी बहुत जल्द अपने Y12S का एक नया एडिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर वीवो Y12S 2021। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, ये स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल साइट गाइस यार इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब हुआ गाइस कि बहुत जल्द अब ये स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर आसूस की गाइस, और आसूस भी दोस्तों बहुत जल्द अपनी Zenfone 8 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों उससे पहले गाइस यहाँ पर आसूस ने ऑफिशियल तौर पर अपने Zenfone 8 सीरीज को यहाँ पर टीज करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर कि गाइस यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको लेफ्ट अलाइन सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पर फोजाइल की गाइस, तो फोजाइल भी दोस्तों बहुत जल्द अपनी एक नई स्मार्ट वॉच को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जहाँ पर गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है दोस्तों, ये इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर अब सर्टिफाई हो चुकी है, जिसका मतलब दोस्तों बहुत जल्द ये वॉच भी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है।
सो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप की गाइस। तो यार व्हाट्सअप बहुत जल्द अब एक नया फीचर रोल आउट करने वाला है, जहां पर गाइस अगर आपके पास एक iOS डिवाइस है और साथ ही गाइस अगर आपके पास यहाँ पर एक एंड्रॉइड डिवाइस है और दोस्तों अगर आप इन दोनों के जो व्हाट्सअप के चैट है दोस्तों उन्हें अगर माइग्रेट करना चाहते हैं के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह कोई ऑफिशियल यहां पर फीचर देखने को नहीं मिलता था, तो गाइस सर अब इसे माइग्रेट करने के लिए व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट होने वाला है, इसके थ्रू दोस्तों यहां पर iOS डिवाइसेस और साथ ही दोस्तों एंड्रॉइड डिवाइसेस के बीच में यहां पर जो चैट है दोस्तों वो माइग्रेशन दोस्तों इजीली हो सकेगा। अगर आप यार कुछ इस तरीके का फीचर यहां पर इंतजार कर रहे थे व्हाट्सएप की तरफ से गाइस, तो अब बहुत जल्द आपको ये फीचर देखने को मिलने वाला है। इस बहुत जल्द दोस्तों OnePlus भी अपने OnePlus Nord N10 सक्सेसर को एशियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जहां पर गाइस ये स्मार्टफोन IMDA सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब होगा इसकी बहुत जल्द ये स्मार्टफोन अब आपको एशियन मार्केट और इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, लेकिन गाइस उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है गाइस तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Realme की गाइस, और Realme की तरफ से तो बहुत जल्द आपको Realme X7 Max भी गाइस यार इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है गाइस यार 4 मई को ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला था, लेकिन दोस्तों करंट सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों यार इसकी जो लॉन्च डेट है उसे अब डिले कर दिया गया है। कि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है गाइस यार ये Realme GT Neo का ही यहाँ पर एक रीब्रांड वर्जन देखने को मिलेगा, जहां पर गाइस आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और न्यूज की गाइस, तो Redmi का जो K40 गेमिंग इनहेंस एडिशन है दोस्तों यार ये स्मार्टफोन तो यार चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में दोस्तों काफी सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे थे गाइस कि ये स्मार्टफोन आपको पोवो की ब्रांडिंग के साथ पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था गाइस। लेकिन दोस्तों अब ये लीक यहां पर कंफर्म हो रहा है गाइस कि ये जो स्मार्टफोन आपको पोको के साथ में एक नई सीरीज के साथ में देखने को मिल सकता है, जिसका नाम होगा गाइस यहाँ पर पोको F3 GT। गाइस यहाँ पर एक कैस्पर नाम के हैकर ने यहाँ पर लीक किया है, तो गाइस यार यहाँ पर कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि आपको ये स्मार्टफोन पोको F3 GT के नाम से देखने को मिलेगा, जहाँ पर गाइस आपको MediaTek Dimensity 1100 का चिपसेट, 8GB की रैम, 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज और फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो गाइस आज की टेक न्यूज यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिया और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।